गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने के खिलाफ भीम आर्मी ने शिमला में प्रदर्शन किया और हाटी को जनजातीय दर्जा देने के खिलाफ जो है वो आंदोलन की चेतावनी भी दी, जिसके बाद अब हाटी समिति ने इसे भीम आर्मी द्वारा लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीति चमकाने का तरीका बताया है। केंद्रीय हाटी समिति ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बताया कि जल्द हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने वाला है, इसकी घोषणा जल्द हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सिरमौर से कोई लेना देना नहीं है। हाटी समुदाय में सभी वर्गों के लोग शामिल है। उन्होंने कहा कि हाटी को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद ST कानून में कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ लोग इसकी आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांग जल्द पूरी होनी चाहिए। उन्होंने आंदोलन का स्वरूप बदला है, इसे खत्म नहीं किया है। पीड़ित है, पिछले 55 सालों से हमें न्याय नहीं मिला है, हम वंचित है और संवैधानिक अधिकार की जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी उनसे हमें एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार के माध्यम से हमें उम्मीद है कि एक महीने के अंदर एक राहत 3 लाख लोगों को मिलेगी। हमारा मुद्दा 3 लाख लोगों से जुड़ा है, हमारे साथ SC भी है, हमारे साथ OBC के भी, हमारे साथ स्वर्ण समाज के भी लोग हैं। हम सबको साथ लेकर हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम समाज को बांटने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम समानता में विश्वास रखते हैं, हम असमानता में विश्वास नहीं रखते हैं, हम क्षेत्रीय भेदभाव में विश्वास नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों का एक समान विकास हो। जो क्षेत्र छूट गए हैं कहीं ना कहीं, जिसकी पैरवी खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इलाका आगे निकल गया दूसरा इलाका रह गया, जैसे हमारा एक गिरिपार हमारा छूट गया विकास की दृष्टि से। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हाटी आंदोलन अभी हमने स्थगित कर रखा है, बंद नहीं कर रखा है। जितना जल्दी केंद्र सरकार से आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके हमें अपना फैसला सुना दीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो असामाजिक तत्व है वो सक्रिय हो गए हैं, बहुत कम उनकी तादाद है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम उनके विरोध में नहीं है, लेकिन जो भी सियासी चाले चलेगा, कुटी चाले चलेगा, हम हमारे मामले में अड़चन पैदा करेगा, हम उनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, किसी भी हद तक हमें जाना पड़ेगा। हम अभी बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चले, हमारे सब्र की जो परीक्षा है वो ना ली जाए।